तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रिंग रोड रांची में और रांची हम लोग इंटर कर चुके हैं गाइस। और ये है न्यू ब्लॉग गाइस। तो आपको फिर हमारे एक नए से वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं मॉर्निंग राइड में। 6:08 हो रहा है, मतलब आज काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग में निकले हैं। वैसे तो फिलहाल 5 बजे उठ गए थे, बट उस टाइम ही हम लोग को 5 ही बजे निकलने का प्लान था, पर क्या करें उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो हम लोग बोले कि कैंसिल ही कर दी। थोड़ा दिन होने के बाद ना, मतलब सन निकल जाता है, उसका चलाने में बाइक अच्छा लगता है, इस वजह से अभी निकले हैं 6 बजे। टंकी भर गया। शूज अच्छा लग रहा है? नहीं 40 बहुत ज़्यादा हो जाता, 35 डालिएगा ना। हाँ आगे 33। तो फिलहाल गाइस अभी इंडियन ऑयल में बालाजी पेट्रोल पंप अपना टंकी फुल हो चुका है, आप लोग देख लो। मतलब आज फुल टंकी पेट्रोल आ गया 10 लीटर में, और हवा भी भरवा रही है। तो चलिए गाइस यहाँ से निकलते हैं और अपना सफ़र को स्टार्ट करते हैं। बजरंगबली का नाम लेकर जो बजरंगबली। इस यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये जो पूरा है इसको पहाड़ था, इस पहाड़ को काट के ये रोड बनाया गया है। मतलब ये पूरा जॉइंट था, बहुत बड़ा पहाड़ था, इसको कट कर दिया है। अभी 7:13 हो रहा है। हम लोग थोड़ा आराम से रुक रुक कर आ रहे थे, प्लस लीव किए चेन और पेट्रोल भरवाया, बर्नर हम भरवाएँ, हवा डलवाएँ, इस कारण थोड़ा सा लेट हो गया। अब कहीं नहीं रुकेंगे गाइस, अब डायरेक्ट बोकारो में जाकर रुकेंगे। ये ब्रिज का क्या नाम है आई डोंट नो, बट 1, 2, 3 है, वो तो ख़त्म हो गया है, यही अभी चल रहा है, वो शायद ट्रेन के लिए है। और गाइस यहाँ से टोल गेट 1 किलोमीटर है, मतलब हम लोग बोकारो बस पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हाईवे पे, जहाँ से अभी हम लोग सीधे रांची निकलेंगे, क्योंकि प्रेम भाई नहीं आ पाया, उसका बाइक ख़राब था। इधर बर्नर है, सिवा है। तो चलिए गाइस यहाँ से निकलते हैं रोड। हम लोग पहला टोल गेट पहुँच चुके हैं, जो कि है ये बोकारो वाला। और हम लोग का सफ़र तो अभी तक बहुत ही अच्छा है। बस आई होप कि ऐसा ही सफ़र अभी हम लोग का चले, कोई दिक्कत ना हो बाइक में। ऊपर वाला से यही दुआ कर रहे हैं। लाइफ का पहला सफ़र है जो कि अभी हम इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं। बस आप लोग का दुआ रहेगा गाइस, सही सलामत अच्छा से घर पहुंच ही जाएंगे। तो जहां पर भी अच्छा हमको लगेगा उस जगह पर आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत आप लोग धन्यवाद देख लिए। अब थोड़ा सा आप लोगों को बोकारो रांची भी दिखाते हैं। व्यू चेक करो गाइस, बहुत ही प्यारा व्यू है यार। गाइस चेक द व्यू गाइस, वाह रे वाह क्या सीन है, मज़ा आ गया यार देख के। तो गाइस अभी हम लोग सेकंड टोल गेट पहुँच चुके हैं, और ये है बोकारो वाला टोल गेट। तो हम लोग के लिए कोई बाइक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, साइड से आराम से निकल जा। बाइक का तो टोल नहीं लगता, यही बहुत बढ़िया बात है भाई। कार में आओगे तो टोल कटाते कटाते हालत ख़राब हो जाएगा। तो गाइस आप लोग चेक करो, हम लोग आ चुके हैं पूरा पहाड़ी वाला इलाका, और इधर देख रहे हो पूरा प्लेन। और इधर का देख रहे हो यार, सन भी पूरा ऊपर आ चुका है, क्या मस्त लोकेशन है। और अभी हम लोग टोटल 119 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, मतलब 119 से ज़्यादा होगा लगभग, और 10 किलोमीटर 130 किलोमीटर हम लोग कवर कर दिए हैं लगभग 2 घंटा में। तो सही है, 2 घंटा में 130 किलोमीटर हम लोग बहुत जल्दी कवर किए हैं। और इधर का देख रहे हो रोड यार बहुत मस्त है, बट एक हाईवा चल रहा है, उसका वजह से सब गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है। बहुत कॉर्नरिंग लग रहा है इधर है अच्छा वाला। और गाइस इधर का सीन चेक करो, जहाँ तक देखो ना बस पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है। और उधर आप लोग बहुत दूर में नहीं दिख रहा होगा, गोप्रो से तो उतना नज़र नहीं आ रहा होगा, उधर पहाड़ के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, मतलब उधर कुछ बन रहा है। बहुत अच्छा लोकेशन है। और इधर अपनी बाइक और इसका कूलेंट भी स्टार्ट हो गया, देख रहे पूरा गंदा हो गया। इसको एक कपड़ा लाते सारे इसको पोंछ देते। कपड़ा पर लाया बन्नर। अंधा मोड़ करके नाम है ये पहाड़ जो कटा हुआ, आप लोगों को बताएं गजब का। यहाँ पर कैमरा मेरा ऑफ था, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला यहाँ लीन था। और इधर एक बार व्यू चेक करो, देखो वहाँ से दिखाते हैं व्यू। क्या गाइस इधर का लोकेशन चेक करो, रोड पूरा जानता कट कट के आ रहा है। उधर देख रहे हो आप रोड, उधर पूरा कॉर्नरिंग करके ये पहाड़ देख रहे हो गाइस। ये पहाड़ में बहुत मतलब पूरा पहाड़ को काटा गया और पहाड़ के बीच से रोड निकाला गया है, मतलब गजब का। इधर और इधर अपनी दोनों बाइक, इधर शिवा भाई है और इधर सालू और इधर बन्नर अपना ब्लॉग शूट कर रहा है। गाइस इधर रोड चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। तो बस यही लोकेशन आप लोग को दिखाना था। फिर मिलते हैं रांची के। पूरा कुहासा से ढका हुआ। पूरा अंधा मोड़ है गाइस, दिख ही नहीं रहा अभी। बन्नर निगाह, हाथ यहाँ मत रखना ठीक है, हाथ यहाँ पर मत रखना। और लगभग तो पहाड़ अब खत्म हो गया। ये लास्ट टाइम लग रहा कॉर्नर है, इसके बाद अरे ये गाड़ी को बैक करना पड़ रहा कि कोई ट्रक घूमने वाला नहीं है। घाटी क्षेत्र समाप्त। और ये कौन सा घाटी था नहीं पता, कोई आइडिया नहीं गाइस, बट अब ये खत्म हो गया है। और अब हम लोग जाना है रांची, और रांची तो इधर ही दिख रहा है। इससे 54 किलोमीटर दूर है रांची। और ये पता नहीं कौन सा मार्केट है यार, बहुत जाम है। निकलते हैं यहाँ से। बहुत इधर खतरनाक वाला जाम लगा हुआ है, बहुत नैरो रोड है ना, इस कारण ये गाड़ी हम लोग आगे काफ़ी आगे निकला हुआ था, बट अभी इसको पीछा कर ली। बहुत पहले निकला था ये इनोवा अपने सामने से। ये रोड सही था बोकारो के बाद, ये जो रोड अभी तक यहाँ तक मिला था ये सही था। मतलब भगाए थे हम लोग 100, मतलब 100 तो नीचे नहीं किए थे, 100 में क्रूज करके चला रहे थे। अब देखते हैं ये जाम कितना देर तक हम लोग को जलाता है। अरे भाई ओ भाई ओ भाई, ठोक दिया ठोक दिया ठोक दिया। गलती है लोग का था, इस लोग रोड पे रोक दिया, वो गाड़ी अचानक से ब्रेक मारा और हीरो होंडा वाला पीछे से ठोक दिया। वो बचा सकता था बट बचाया नहीं, ठोक दिया साला, बहुत हरामी है। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रांची की सड़कों पे, और ये रांची का हाईवे है। अब मज़ा आएगा यहाँ चलाने में गाइस। बहुत ज़्यादा वीडियो देखते थे रांची का कि रांची के राइडर्स ये रोड पे चला रहे, बट आज खुद चला रहे अपनी बाइक को, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, सही बता रहे हैं। अब लग रहा है रोड है इधर, अब अच्छा लग रहा है गाइस चलाने में। अभी हम लोग अभी हम लोग जा रहे काठियाला रोड पर, मतलब हम लोग पहुँच चुके हैं रांची। तो फिलहाल अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए, और उससे पहले देखते कहीं एक अच्छा सा ढाबा मिलता है तो रुकेंगे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे। नाश्ता भी नहीं किया सवेरे से, तो नाश्ता भी कर लेंगे क्योंकि 10 बज चुका है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रिंग रोड रांची में, और रांची हम लोग इंटर कर चुके हैं गाइस। और ये है रिंग रोड रांची का, और अभी यहाँ जगह से अभी 160 या 70 किलोमीटर और आगे जाना है नेतरहट के लिए। उससे पहले कहीं एक ब्रेक ले लेंगे छोटा सा, कहीं अच्छा एक ढाबा देख के चलेगा। इस जहाँ थोड़ा भगाते हैं, अब हाईवे मिल गया गाइस, अब थोड़ा भगाएंगे ही। A few moments later. तो गाइस अभी राइडर चेंज हो चुका है, अभी सालू चला रहा है मेरा बाइक, और बन्ने लोग उधर है। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे एक छोटा सा ढाबा, मतलब ढाबा भी नहीं, एक छोटा सा दुकान था, वहीं पर हम लोग अभी नाश्ता वास्ता कर लिया, मतलब समोसा वमोसा खा लिया, कचौड़ी। और फिर अब यहाँ से चलाते हैं, क्योंकि अभी लगभग 200 किलोमीटर हम लोग चला दिए, और यहाँ से 180 किलोमीटर रोड दिखा रहा। अब हम लोग का प्लान चेंज हो गया गाइस, हम लोग जाना था नेतल और डायरेक्ट, बट अब छोटू भाई से बात किए तो छोटू भाई बोले डायरेक्ट लोधपुर चल जाओ तो बेस्ट रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लोधपुर जा रहे गाइस, निकल रहे हैं। और अब थोड़ा सा आप लोगों को बढ़िया बढ़िया सिनेमैटिक वीडियो दिखाते हैं गाइस। ये वाला पहुँच चुके हैं रांची का टोल गेट, और अब यहाँ से नेतरहट 160 किलोमीटर और लोधपुर जो है वो 180 किलोमीटर दिखा रहा है। नहीं सॉरी, 120 किलोमीटर नेतरहट और 180 किलोमीटर यहाँ से लोधपुर। रोड तो अब सही मिल रहा है, बट बहुत नैरो रोड मिल रहा है, बहुत चौड़ा रोड नहीं मिल रहा है, नहीं तो अच्छा सा बाइक को खींचते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग लगभग पहुँच ही चुके हैं नेतरहट, और यहाँ से देख रहे हो 21 किलोमीटर है और लोधपुर जो 65 किलोमीटर। तो अभी सोच रहे नेतरहट ही चल जाते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और देख रहे हो बच्चे लोग का गाड़ी उड़ी जा रहा है, इधर सब लोग इधर है, इंजॉय कर रहे हैं। तो देखो बहुत ही अच्छा लोकेशन है, और क्या बताए इस रोड में इतना ज़्यादा लीन था ना गाइस, मतलब लीन पे लीन, लेकिन कितना रिकॉर्ड करें, कैमरा में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते हैं। टायर का कंडीशन दिखाते हैं आप लोगों को, गाइस पूरा नीचे तक टायर पूरा सट गया, क्या ही लीन बज रहा था दोनों साइड देखो। तो चलिए गाइस अब सीधे मिलते हैं नेतरहट जाके। तो गाइस फाइनली हम लोग नेतरहट पहुंच चुके हैं, और इधर से लोधपुर जाने का रास्ता है, और हम लोग यहाँ से नेतरहट इंटर कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, नेतरहट में आपका स्वागत है। और मेरा GoPro में बैटरी डेड हो गया है, तो हम सोच रहे रूम जाके बैटरी लगाते हैं। बाकी जितना भी वीडियो शूट हो रहा है आईफोन से ही शूट हो रहा है। और इधर का व्यू चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, मतलब दिख नहीं रहा, हमको लग रहा है 2 किलोमीटर अंदर नीचे गड्ढा है यार, पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया है। थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट का मजा को तेरा चांद बनकर तुमको देखने आऊंगा, खोकर में तुझको आवारा हो गया, दिल जो था मेरा वो तुम्हारा हो गया, बनके हवा में बेजुबान में दिल लगाने को तेरा चांद बनकर तुमको देखने आऊंगा, खोकर में तुझको आवारा हो गया, दिल जो था मेरा वो तुम्हारा हो गया, बनके हवा में बेजुबान